हेलो हिप हॉप लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली कल गाना आने वाला है, एमिवे बंटाय का तीसरा गाना एक्सटेंडेड प्ले में से, जिसका नाम है सब कुछ न्यू। तो देखते हैं क्या कुछ न्यू है। और मुझे पता है जो बंटाय की पब्लिक है काफी एक्साइटेड है, बट उनको डेट नहीं पता। एमिवे बंटाय मुझे लग रहा है शाम तक बता देंगे कि गाना कब आएगा, और फ्राइडे को गाना आ रहा है तो तीसरा गाना फ्राइडे को दोबारा से आने वाला है। तो धमाके के लिए तैयार रहिए और मेरे रिएक्शन वीडियो के लिए तैयार रहिए। और मुझे जहाँ तक लगता है गाना आएगा 12 बजे या 1 बजे के आसपास गाना आएगा, बट जब भी आएगा आप लोगों को बहुत जल्दी पता चल जाएगा। एमिवे बंटाय शाम तक बता देंगे कि कब आएगा गाना। तो मुझे बहुत मजा आने वाला है। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मेरे साथ लाइव चैट पे जुड़ा करिए। लाइव चैट में क्या होता है, काफ़ी जो बंटाय की पब्लिक है 50-60 लोग एक साथ मेरे साथ जुड़ते हैं। जैसे ही गाना आता है एमिवे बंटाय का, तो उसके कुछ टाइम बाद मैं लाइव चैट करता हूँ। तो उससे क्या होता है, पब्लिक एक साथ जुड़ती है, 50-60 पब्लिक एक साथ जुड़ती है, तो आपको भी हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू पता चलेगा कि गाना कैसा लगा कैसा नहीं लगा। तो इसलिए कहता हूँ लाइव चैट पर जुड़ो, बहुत मजा आता है और आप लोग से बात करने में मुझे एक अंदर से मोटिवेशन मिलती है। और मोटिवेशन से एक चीज़ और याद आई कि कुछ टाइम पहले जब मैं पोस्ट देख रहा था एमिवे बंटाय की, तो एमिवे बंटाय ने रस का गाना शेयर किया था और उसके ऊपर किसी गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे और रस का गाना चल रहा था। तो उसी को सेम कुछ टाइम बाद रस ने रीपोस्ट किया अपने चैनल पर। तो सोच सकते हैं कि जिससे कोई मोटिवेशन लेता है, जो गुरु होता है, वही कुछ टाइम बाद हमारी परफॉर्मेंस से खुश होकर उसको रीपोस्ट करता है। तो ये चीज़ बहुत बड़ी बात है और किसी भी आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात होती है, जिससे हम इंस्पायर होते हैं, जिससे हम हिम्मत लेते हैं, जिससे हम सीखते हैं, वो हमारे परफॉर्मेंस से खुश होकर अपने स्टेटस पर डालते हैं। तो ये चीज़ बहुत बड़ी बात है। और मुझे लग रहा है इन फ्यूचर कोलैबोरेशन भी होने वाला है रस का और जो है अपने एमिवे बंटाय का। तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। मेरी तो यही दुआ है कि इन दोनों का कोलैबोरेशन हो। जैसे कि हमने इंटरनेशनल कोलैबोरेशन देखा है, ऑलरेडी डेक्स के साथ आया था, तो शायद आने वाला है गाना, बट आएगा तो सब किसी को पता चल जाएगा। तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई गाना आना चाहिए, क्योंकि एमिवे बंटाय बहुत खतरनाक काम कर रहा है हिप हॉप के अंदर। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं रस को भी पता है कि इंडियन हिप हॉप के अंदर एमिवे बंटाय को लेकर काफ़ी सीन चल रहा है, लोग उसके ऊपर डिस्ट्रैक निकाल रहे हैं, उसको ज़्यादा इज्जत नहीं कर रहे, उसको डिस्ट्रैक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रस को भी ये चीज़ पता होगी। बाकी देखना ये है कि उसकी तरफ से कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट आती है कि नहीं आती। दूसरी बात करूँ डिवाइन के गाने की, तो डिवाइन के गानों की अब धीरे धीरे करके वीडियोज़ एल्बम आउट हो रहे हैं। जैसे कि दूसरा गाना आ गया था वाइब्स हैं, उसके बाद तीसरा गाना मेरे ख्याल से गांधी मनी आने वाला है। तो उसके लिए भी मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि जो डिवाइस के फैंस हैं वो भी काफ़ी मुझे कहते हैं रिएक्शन वीडियो करिए, तो उसका भी रिएक्शन वीडियो बहुत जल्दी करूँगा। और यो यो हनी सिंह ने जो है डिवाइन की एल्बम शेयर की है अपने इंस्टाग्राम पे कि भाई डिवाइन का गाना है कोहिनूर एल्बम, गाना सुनो, गाना बहुत तोड़ा है। बट ऑलरेडी काफ़ी लोगों ने सुन चुका है, बट इतने बड़े रैपर यो यो हनी सिंह जिन्होंने रिवॉल्यूशन रहा था हिप हॉप के अंदर, तो वो शेयर करें तो बहुत बड़ी बात है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि भाई किसी का लोग एक दूसरे को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि पहले के टाइम पे हिप हॉप देखते तो किसी को कोई प्रमोट नहीं कर रहा था। बस आज के टाइम पे कोई भी अच्छा गाना निकालता है तो लोग उसका प्रमोट करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और तीसरा बात करूँ कृष्णा की, तो कृष्णा ने एक बार फिर से मतलब डायरेक्टली पिन कर दिया है एमिवे बंटाय को। मतलब कृष्णा का ये है कि वो डायरेक्टली पिन कर रहा है, वो वेट कर रहा है कि एमिवे बंटाय कृष्णा का कब नाम लेगा अपने गाने में, और फिर उसके बाद जो है कृष्णा अपना परफॉर्मेंस दिखाएगा पब्लिक को। तो बट एमिवे बंटाय बहुत चालू है भाई, नाम नहीं ले रहा है, इनडायरेक्टली डिस कर रहा है। तो उन्होंने पोस्ट भी शेयर किया कृष्णा ने और अपने स्टेटस पे डाला, इंस्टाग्राम पे डाला कि ये लोग हल्का हल्का डिस्ट्रैक का नाम भी लेते हैं, डिस भी करते हैं रैपर्स को, उसके बाद फिर पब्लिक को बोलते हैं कि ये डिस्ट्रैक नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने ये लिखा कि इनके बस की कुछ नहीं, यानी एमिवे बंटाय को बोल रहे कि भाई इनके बस की कुछ नहीं है। तो अब देखते हैं भाई एमिवे बंटाय, हर कोई चाह रहे कि आप एक बार डायरेक्ट डिस निकाल दो यार, देखी जाएगी लिरिकली, देखा जाएगा कौन कितना स्ट्रॉन्ग है। बट मुझे भी वेट है, पर्सनली बात करूँ तो हर किसी को वेट हुआ कृष्णा और एमिवे बंटाय की एक बार लिरिकली फाइट हो ही जाए, तो बाकी देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। बट मैं तो कह रहा हूँ कि भाई कृष्णा का मुझे लग रहा है बहुत जल्दी एक डिस्ट्रैक आने वाला है। इन्होंने बोला भी था कि कुछ ना कुछ नया आने वाला है, जब ये मुंबई के शो पे थे तो उन्होंने स्टेटस भी डाला, उस पर भी लिखा है कि कुछ ना कुछ आने वाला है मेरा। और अगला ये है कि ब्रदर वी का और कृष्णा का कोलैबोरेशन हमको बहुत जल्दी शायद देखने को मिल जाएगा, क्योंकि किसी ने क्वेश्चन पूछा था ब्रदर वी से, तो उसने रिप्लाई दिया कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं भी करना चाहता हूँ कृष्णा के साथ काम। तो देखते हैं इनके बीच में कोलैबोरेशन होता है कि नहीं होता। और अगला न्यूज़ ये है कि बादशाह का गाना आने वाला है अपना ऑफिशियल चैनल पे। तो अगर आपने ऑफिशियल चैनल पे उनको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 12 बजे गाना आएगा बादशाह का। गाने का नाम थोड़ा अजीब सा था, मुझे पता नहीं चला, बट 12 बजे गाना आने वाला है बादशाह का, तो वो गाना भी सुनना अगर आप बादशाह के फैन है। तो बस कुछ ऐसे ही हिप हॉप न्यूज़ थी मेरे पास, तो मैंने सोचा आपको मैं शेयर कर दूँ। बाकी कल के लिए बने रहिए मेरे साथ, कल गाना आने वाला है बहुत धमाकेदार, तो देखते हैं उसका रिएक्शन वीडियो करेंगे। जब तक के लिए इंजॉय करिए, मस्ती करिए, लव यू।